नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सिपकोड़ा में दिन दहाड़े बिजली विभाग के कलेक्शन एजेंट से दो बाइक सवार अपराधियों ने 9 लाख रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। राजनगर थाना अंतर्गत गंजिया मार्ग पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत। सिपकोड़ा में दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट, तीन लोग घायल। और मानगो गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 16 के समीप बिजली विभाग के कलेक्शन एजेंट से दो बाइक सवार अपराधियों ने 9 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दे दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मानगो निवासी जितेंद्र पात्रो, जो बिजली विभाग का संविदा कर्मी कलेक्शन एजेंट है, बिजली बिल कलेक्शन के करीब 9 लाख रुपए लेकर अपनी स्कूटी से बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान रोड नंबर 16 के समीप दो बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गिरकर घायल हो गया। इस दौरान रुपयों से भरा बैग अपराधी लेकर चलते बने। उधर घायल कलेक्शन एजेंट को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां विभाग के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जा रहे थे बैंक के लिए कैश लेकर, कि जैसे मेरे को कोई आया मारा और गिर गए, उसके बाद पब्लिक आके मेरे को कोई उठा के साइड। कौन बैंक क्या चीज से मारा? पता नहीं क्या चीज से मारा। आप क्या चीज में थे? हम गिर गए इतना पता है। गाड़ी में थे? हम स्कूटी में थे। स्कूटी में कितना पैसा था? 9 लाख रुपये बिजली विभाग का पैसा था। जमा करने जा रहे थे कौन सा बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया कौन सा ब्रांच में? गोलमुरी। कहाँ से पैसा लेके जा रहा था? जैसे हमारे यहाँ ATP मशीन लगा हुआ है जी, सिद्धगोड़ा सब स्टेशन में भी है, बिरसा नगर में भी है, रंगाझार में, गोविंदपुर में भी है। हर ATP मशीन में जो ऑपरेटर होते हैं, दिन भर का जो भी कलेक्शन होता है, बैंक भी उन्हीं को पहुँचाना होता है। एक नया एग्रीमेंट जो हुआ, उस एग्रीमेंट के हिसाब से उनको बैंक पैसा पहुँचाना है। तो 3 बजे के लगभग की घटना है कि सिद्धगोड़ा से कैश ले करके वो जा रहा था, जितेंद्र पात्रो उसका नाम है, जा रहा था चौक के पास में, जैसा वो बता रहा है कि कोई गाड़ी पीछे से मार दिया और ये गिर गया। गिरने के क्रम में कुछ लोग आए भी, आकर के इसको उठा के साइड किए और इसका मोटरसाइकिल को भी साइड किया। तो मोटरसाइकिल जब साइड हुआ, फिर जैसे उठा ये देख रहा है अपना मोटरसाइकिल में, तो डिक्की से पैसा जा रहा था। कितना पैसा? 9 लाख। कौन सा एक्टिवा? मतलब कहाँ जमा करने के लिए जा रहा था? कौन सा बैंक में? वो बैंक ऑफ इंडिया। इधर राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर गंजिया मार्ग पर कुसुम बनी गांव के समीप सोमवार दोपहर एक और दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवा राजनगर से गाजिया की ओर जा रहा था, जबकि बाइक सवार आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की ओर से ड्यूटी से लौट रहा था। इसी दौरान कुसुम बनी गांव के समीप हाईवा ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या बोले मेरा भतीजा? हो तो हम तो थे नहीं यहाँ पर, हम सुने तो भी आए, हमको फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है वहाँ पर हुआ, आइए। तो हम आए, देखा कि भाई ऐसा, कि जो गाड़ी जो स्थिति देखे हमको बहुत खराब लगा, खराब लगा। तो अभी उसको क्या किया जाए? तो हम बोला ठीक है, रोड जाम करो, यहाँ मालिक आएगा, बात होगा। जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है वैसे चलाना चाहिए, वहाँ से घसीट के जो ला रहा है वो अंधा था का जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के विद्यापति चौक पर सोमवार की सुबह दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों में राहुल कुमार, मुकेश कुमार और अनिल कुमार शामिल है। तीनों घायल सगे भाई बताए जा रहे हैं।
तीनों घायलों का एमजीएम में इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि विद्यापति चौक के पास स्थित उनकी दुकान है, जहां उनकी जमीन को अनिल यादव, सुनील यादव और सुजीत यादव हड़पना चाहते हैं। डेढ़ साल पहले भी उन लोगों ने मारपीट की थी, वे उनकी आय का जरिया छीनना चाहते हैं। सोमवार को हुई घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि सुबह दुकान के सामने सुनील यादव ने मिट्टी डाल दी, जिसके बारे में पूछने पर विवाद बढ़ गया और अनिल यादव, सुनील यादव और सुजीत यादव समेत कुल छह लोगों ने राहुल कुमार, मुकेश कुमार और अनिल कुमार की रोहे के डर से पिटाई कर दी। अनिल यादव, सुनील यादव और सुजीत यादव तीनों भाई है। बताया जा रहा है कि सुनील यादव सरकारी क्षेत्र में जवान का काम करता है। पीड़ित पक्ष ने सिद्धगोड़ा थाना में मामला दर्ज कराया है। घायलों में एक की हालत गंभीर है, जिसे रिम्स रेफर किया जा सकता है। वहीं दूसरा पक्ष भी एमजीएम पहुंचा। कयास लगाया जा रहा है कि दूसरा पक्ष भी केस करने की तैयारी कर रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी जमीन और दुकान पर आरोपियों की पूरी नजर है। हड़पने के उद्देश्य से बार बार ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस संदर्भ में सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि जमीन सरकारी है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में पुराना विवाद है। मामले की जाँच की जा रही है और उचित कार्रवाई होगी। आज सुबह जब मेरे भैया दुकान हम न्यूज़पेपर बेचने अपना घर पर बैठे, मेरे भैया जब दुकान में पेपर पर बांटे दुकान में भाव लगा रहे थे, जो भी उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने मट्टी ला के हमारे कौन लोग था, सुनील यादव, अनिल यादव, आपका सुजीत यादव, ये लोगों पहले भैया मट्टी भर के वहाँ पर बोलो भर दिया, फिर भैया हटाने लगे तो भैया। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान दुर्गा पूजा समिति के आह्वान पर गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम के विरोध में तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से मैदान में एक दिवसीय धरना देकर अपना विरोध प्रकट किया। बता दें कि इन दिनों मानगो गांधी मैदान में स्टेडियम निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है और स्थानीय विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के देखरेख में इसका निर्माण हो रहा है। दुर्गा पूजा समिति के अनुसार विगत 60 वर्षों से इस मैदान में दुर्गा पूजा होते आ रहा है और हिंदुओं की आस्था यहां से जुड़ी है। अगर मैदान को स्टेडियम का रूप दिया जाता है तो निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा प्रभावित होगी और इसे बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि ये विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, स्टेडियम के स्थान पर मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाए, वॉकिंग ट्रैक से लेकर पौधे लगाए जाए, इसका पूरा हिंदू समाज स्वागत करेगी। इन्होंने कहा कि अगर स्टेडियम निर्माण का कार्य नहीं रोका गया तो तमाम हिंदू संगठन मिलकर जोरदार आंदोलन करेंगे। तो हिंदू क्रूर नहीं, इसको घेरने का साजिश चल रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। 1995 के दशक में हम लोग जो अपनी मांग है कि जो 1964 से ये दुर्गा पूजा इस मैदान में होते हुए आ रही है और इस पे जो एक साजिश के तहत स्टेडियम और पार्क का निर्माण करने का जो साजिश रचा गया है, हम चाहते हैं कि वो साजिश का पर्दाफाश हो और तत्काल इस काम को रोका जाए। और अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी काम नहीं रोका गया, इसके आगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग पूरे मानगो में, पूरे जमशेदपुर में पदयात्रा करने का काम करेंगे। सभी हिंदू संगठनों से आग्रह करेंगे, सब लोग जुड़ के इस आंदोलन को और भव्य और भी विशाल रूप देने का हम लोग कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये हिंदू की आस्था के साथ सीधा से सीधा खिलवाड़ है और हमारे ऊपर ये प्रहार है। हम हिंदू भाई लोग हिंदुस्तान में अगर हमें पूजा करने से वंचित कर देंगे तो आप ही पत्रकार भाई बंधु लोग बताइए कि हम कहाँ पूजा करें। ये 1964 से पूजा होते हुए आ रही है, सोचने की विषय है कि जो पूजा इतनी पुरानी है, जो पूजा इतने सालों से हो रही है, इस पे कौन सा ऐसा आफत आन पड़ा सरकार को और यहाँ के माननीय विधायक जी को कि उन्होंने इस पूजा स्थल के जगह पे स्टेडियम का निर्माण कराना चाहते हैं। जबकि जैसा कि आपको पता है कि ना तो कार्यपालक अभियंता जो यहाँ पे है, विशेष पदाधिकारी महोदय, कहीं भी कोई सार्वजनिक चीज बनती है तो वहाँ के लोगों से पूछा जाता है। हमारे जो दुर्गा पूजा कमेटी है, कमेटी के किसी सदस्यों को खबर तक भी नहीं है, ना यहाँ पे स्कूल प्रबंधन है ना उनको खबर है। सीधा आपने एक तुगलकी फरमान जारी किया और यहाँ पे स्टेडियम निर्माण का काम शुरू कर दिया। ये बहुत ही अशोभनीय बात है, ये बहुत ही हिंदुओं के ऊपर कुटाराघात करने की एक साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश हम लोग करेंगे और हम हिंदू हर हाल में यहाँ पे पूजा करेंगे और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब बिक्री स्थलों में छापेमारी कर दो व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर उत्पाद विभाग ने गुड़ाबांदा थाना अंतर्गत अर्जुन बेड़ा एवं धतकीडी चाकुलिया थाना अंतर्गत लोघा शोली एवं बरशोल थाना अंतर्गत
खंडा मौदा में अवैध शराब बिक्री स्थलों में छापेमारी कर दो व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। दो अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। जमशेदपुर में आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले निर्मल गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां इनके द्वारा कुड़मी जाति को आदिवासी जाति के श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन पर रणनीति बनाई गई। इस दौरान कुड़मी समाज के नेता सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो एवं हरमोहन महतो ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की। बैठक में विगत दिनों रेल रोको अभियान एवं अन्य आंदोलन पर चर्चा की गई, वहीं आगामी दिनों में किए जाने वाले आंदोलन पर भी चर्चा की गई। इन्होंने कहा कि एक राजनीति के तहत कुर्मी जाति को आदिवासी श्रेणी से बाहर किया गया है, जिसके खिलाफ इनका आंदोलन है। आगामी दिनों में जमशेदपुर में भी एक विशाल जुलूस आंदोलन के तहत निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से समाज के लोग अपने अधिकार की मांग करेंगे। निर्मल भवन सोना था गेस्ट हाउस में जो बैठक हो रही है, बैठक में हमारे बीच पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी और पूर्वी विकास मोर्चा के बड़े भाई शीतल औदार जी उपस्थित हैं, और भी यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंड से प्रतिनिधि के रूप में लोग आए हुए हैं। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान कुड़मियों की जो परिस्थिति है उस पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है, और आने वाले दिन में कुड़मी जिस तरह रेंट का आंदोलन बंगाल के राज्य पर हुई थी, उसी तरह कुछ दिन पहले आपका भारत की राजधानी संसद भवन घेराव का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम था। तो यहाँ पे नए साल पर दुमका से आदिवासी सिंगल अभियान राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह 2023 का शंखनाद करेगा। आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह 2023 का शंखनाद 1 जनवरी 2023 को संथाल परगना की राजधानी दुमका से किया जाएगा। सरना धर्म कोड को हर हाल में 2023 में हासिल करना इसका उद्देश्य होगा। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी की रक्षा में विफल सोरेन खानदान और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जाएगा और विद्रोह किया जाएगा। राजनीतिक दलों और मीडिया को भी आदिवासी मुद्दों के प्रति सजग करते हुए संवेदनशील बनाने की कोशिश होगी। आदिवासी समाज के अधिकांश युवा छात्र तथा कथित बुद्धिजीवी नौकरी पेशा में शामिल आदिवासी सामाजिक संगठनों के अगुआ और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के अगुआ के साथ समन्वय बनाकर उनको हासा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चास बास और संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग और जिम्मेदार बनाने की कोशिश होगी। सिंगल अभियान अभी 22 दिसंबर 2022 को रांची के मोराबादी मैदान में हासा भाषा जीतकर महा अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस मनाया, जहां देश और विदेश से भी आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए। बहुत बड़ा जनसभा हुआ। उस जनसभा से हम लोगों ने घोषणा किया कि हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह 2023 साल में पूरा करेंगे। पहले अंग्रेजों के खिलाफ संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह इत्यादि हुआ था, तो अभी हम लोगों ने तय किया। दो गुटों में बटी मजदूर संगठन इंटक को कांग्रेस सुप्रीमो के द्वारा एक साथ सम्मिलित होकर मजदूरों के हित में काम करने का आदेश दिया गया। दो गुटों में बटी मजदूर संगठन इंटक अब एक संगठन के रूप में काम करेगी। इससे पहले संगठन दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट संजीवा रेड्डी और दूसरा गुट ददई दुबे के नेतृत्व में काम कर रही थी, लेकिन अब संजीवा रेड्डी गुट को कांग्रेस सुप्रीमो की ओर से मान्यता दी गई है और ददई दुबे गुट को खारिज कर दिया गया है। ददई दुबे गुट को सभी किए गए केस को वापस लेकर एक ही गुट में शामिल होने की बात कही गई है। आपसी मतभेद भूलकर एक साथ मिलकर मजदूरों के हित में काम करने की बात कही गई। इसी खुशी के अवसर पर कांग्रेस पार्टी में सांची स्थित टाटा स्टील गेट के समीप मजदूरों के बीच लड्डू वितरण किया गया। कार्यक्रम के संबंध में इंटक के झारखंड प्रदेश महासचिव अमित कुमार दोषाद ने जानकारी दी। सांची गेट में हम लोग आए हैं और INTC को और संजीवा रेड्डी गुट को कांग्रेस के तरफ से मान्यता प्राप्त कर दिया गया है कि बाकी और कोई गुट अब नहीं रहेगा। एक संजीवा रेड्डी की ही गुट को INTC की ही गुट को मान्यता प्राप्त कर दी गई है और ददई दुबे गुट को साफ तौर पे बोला गया है कि आप इसी में सम्मिलित हो जाइए और अपना जितना भी केस है वो सब आपस में उठा लीजिए और आपसी मतभेद दूर करके
एक छत्र एक साथ होके आम पब्लिक का, आम जनता का, आम कर्मचारियों का भला कीजिए। इसी खुशी के शुभ लक्ष्य पे हम लोग आज लड्डू का वितरण कर रहे हैं। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से, आईएनटीसी से, आईएनटीसी के झारखंड प्रदेश महासचिव। तो इंटक में दो गुट में बैठा होता है इंटक, एक गुट था संजीवा रेड्डी का, एक गुट था दबे दुबे जी का। दोनों आपस में केस फेस करके ना 10 साल से लड़ रहा था कि हम असली है तुम नकली है। ये विवाद को हम लोग कांग्रेस का सुप्रीमो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी मिलकर भी खत्म कर दिए कि एक ही इंटक है, एक ही रेड्डी साहब नेता है, बाकी सब लोग मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेगा। मजदूर संगठन को आपस में तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। इसी खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल, हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात, हॉप के दो बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें दो वेरिएंट है, हॉप लियो हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इशमूल में इशमूल के लिए लिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिस्तुपुर जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 06572320075। याफी e-motors and exclusive electric vehicle showroom, top performance electric scooters, sleek classic design and loaded with amazing features.
जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी, जो आ चुके हैं एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर, जो बिष्णुपुर में उपलब्ध है, जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्णुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो, और मानगो के साथ अरितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। सो विजिट आवर शोरूम टुडे एंड बुक योर ड्रीम इलेक्ट्रिक व्हीकल याफी ई मोटर्स, एन एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट, अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है, इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा, जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा, जो साइकिल हो सकता है हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता, चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जदीगोड़ा थाना अंतर्गत स्वासपुर स्थित कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में आईआरबी नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पासिंग आउट पर आयोजित समारोह में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परेड का निरीक्षण भी किया, वहीं आईआरबी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य और देश में कई प्रकार की क्राइम हो रहे हैं, नए नए तकनीक और संसाधनों के द्वारा अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग सेंटर की काफ़ी जमकर तारीफ भी किया, कहा आप सभी अच्छे से काम करें, तमाम लोगों को मेरी और शुभकामनाएं। 12 वर्ष तक दलमा में मनोरंजन व सेल्फी का केंद्र रही चंपा हथनी का निधन हो गया। जमशेदपुर दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के प्रवेश द्वार में वर्ष 2010 से ही पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र व सेल्फी का सबसे बड़ा केंद्र रही चंपा हथनी की मौत हो गई। चंपा की तबीयत सितंबर 2021 से ही खराब थी। बीच में डॉक्टरों की टीम के साथ ही स्थानीय वैद्य की टीम ने भी जड़ी बूटी से इलाज कर चंपा को ठीक करा दिया था। 3 दिन पूर्व वह गिर कर बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसका इलाज पशु चिकित्सा डॉक्टर आर के सिंह के नेतृत्व में 3 चिकित्सकों की टीम ने किया। चंपा होश में तो आ गई लेकिन वह उठ नहीं सकी। वहीं चंपा की मौत पर कर्मचारियों और पर्यटकों में मायूसी देखने को मिली। ये आज जो हमारी चंपा हथनी थी, जो कि यहाँ पर 2010 में ये जामताड़ा से पकड़ा करके दलमा लाई गई थी, तब ये 55 वर्ष की थी। और ये जब आई थी तभी उतनी स्वस्थ नहीं थी, और उस समय 55 साल की थी। आज 2022 में लगभग 67 साल की हो गई थी, अपने उम्र के करीब ही थी। और पिछले 6-7 महीने से अर्थराइटिस से पीड़ित थी। तो इसका इलाज वरीय पदाधिकारियों के निर्देश अनुसार और जितने भी हमारे पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स हैं, वो समय समय पर इसका आके इलाज करते थे। तो ये काफ़ी बीच में भी इनका तबीयत खराब हुआ था, इसमें केस का इलाज। श्रविद्या शक्ति सर्वस्व के तत्वधान में आगामी 28 दिसंबर से श्री अम्बा यज्ञ नव कुंडीय, श्री सहस्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन बिष्णुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में किया जा रहा है। एक वार्ता के दौरान आयोजन समिति ने इसकी जानकारी दी। लगातार 28 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक इसका आयोजन चलेगा। चेन्नई के श्री विजय गुरुजी महाराज यहाँ उपस्थित होकर भगवत कथा का वाचन करेंगे। 3100 वर्ग फुट की हवन कुंड का निर्माण यहां हवन एवं यज्ञ के लिए किया जा रहा है। मुख्य रूप से नए साल के आगमन के समय युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने और उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखने हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। संघ परिवार की ओर से 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक
लौ नगरी के साथ साथ जमशेदपुर आध्यात्मिक नगरी में देवी माँ का भव्य सतचंडी महायज्ञ के साथ साथ श्री देवी भागवत कथा का आयोजन का स्वरूप विस्तार रूप से बनाया गया है। इस यज्ञ में 9 कुंड होंगे, 16 स्तंभ होंगे और लगभग 5,500 वर्ग फीट का बड़ा यज्ञशाला का निर्माण आयोजन समिति ने बनाया है। 28 तारीख को सुबह 8:30 बजे गुजराती सनातन समाज बिष्टुपुर के पास लक्ष्मी नारायण गोस्वामी मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी, जो बिष्टुपुर थाना मेन रोड होते हुए आयोजन स्थल तक पहुँचेगा। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक पूरे विधि विधान शास्त्रोक्त नियम के साथ सतचंडी महायज्ञ की शुरुआत होना है और संध्या शाम को 4 बजे से 7 बजे तक परम गुरुजी श्री विजय जी महाराज के साधिन में प्रवचन का कार्यक्रम तय हुआ है। इस वर्ष हम लोगों ने विशेष रूप से 31 दिसंबर को, क्योंकि नए साल की शुरुआत और पुराने साल की विदाई के निमित्त और अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आलोक में आयोजन स्थल पे माता की चौकी, श्याम बाबा का जागरण, रानी सत्यजादी का जागरण के साथ साथ अपने नौजवानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृति से अवगत कराने का काम भी करने का काम आयोजन समिति कर रही है। और विशेष रूप से माँ भगवती माँ देवी से हम लोग आराधना करते हैं कि जो कोरोना का कालखंड जो समाप्त हुआ, इतनी शक्ति दे, जो यज्ञ में काफ़ी शक्ति होती है और इतनी सब लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाए कि आने वाले कोरोना काल से भी हम लोगों को बचाने का काम करेगी। और भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी किया है कोविड के लेकर, तो उसका अक्षरता पालन करते हुए आयोजन के माध्यम से हम लोग उसका भी पालन करेंगे। और मैं विशेष रूप से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि समाज के सभी वर्ग के लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आना चाहिए और इस यज्ञ के यजमान के साथ साथ परिक्रमा करने से भी इसका पुण्य होता है, तो वो भी सभी लोग पुण्य में शामिल हो। और विशेष रूप से गौशाला का निर्माण किया गया है, गौशाला में भी आए और गाय माता की सेवा करने का भी सौभाग्य कि हमारे आने वाले नौजवानों को बच्चों को भी प्रेरित करने का काम करेगी। तो आप सभी के माध्यम से शहर के सभी धर्म प्रेमी लोगों से आग्रह निवेदन है कि जमशेदपुर में दूसरी बार होने वाले इस महान अनुष्ठान में आप सभी अपने परिवार के साथ शामिल हो और कोविड को गाइडलाइन को कोविड के एडवाइजरी का पालन करते हुए हम सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे बाबा जीवन दीप सिंह के शहीद दिवस के तहत 3 दिनों से लगातार धार्मिक समागम का आयोजन किया जा रहा है। रंगरेट्टा महासभा झारखंड के तत्वाधान में इसका आयोजन विगत 24 दिसंबर से यहां चल रहा है। 26 दिसंबर को समागम का आखिरी दिन रहा। झारखंड राज्य के अलावे बंगाल, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों से लोग इस समागम में शामिल हुए। इस धार्मिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिख युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता लाना था। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह गिल ने कहा कि सिख युवा अपने धर्म के प्रति जागरूक रहे, अपने पूर्वजों के शहीदी को याद रखे और उससे सीख लेकर अपने धर्म और अपने समाज का नाम रोशन करे, इसको लेकर इस धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। जीवन सिंह अत्याचार साहबजादे का शहीदी दिहाड़ा जो है 3 दिवस से जो है हम लोग बहुत बड़े पैमाने में मना रहे हैं, जिसमें पूरे भारत से श्रद्धालु और गेस्ट आए हुए हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान, जागो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के भी कल से जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं दलजीत सिंह। शहीद निर्मल महतो के 72वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद निर्मल महतो के 72वें जन्म जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। आज दूसरे दिन शहर के कई बच्चे शामिल हुए। कल 27 दिसंबर को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और बच्चों के लिए मैजिक शो का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के संबंध में स्नेहा महतो ने जानकारी दी। 26 दिसंबर, जैसे आप सभी जानते हैं, मेरे बड़े पिताजी वीर शहीद निर्मल महतो का 72nd बर्थ एनिवर्सरी है और हर साल की तरह इस साल भी हम 3 दिन का जो ये प्रोग्राम करते हैं हमारे शहीद मैदान में, उसी तरह आज उसका दूसरा दिन है। और 26 दिसंबर को सारे बच्चे जो हैं पूरे हमारे आसपास के जमशेदपुर के हर दूर से भी आते हैं बच्चे और इधर ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं।
तो आज यहाँ लगभग 1000 से अधिक बच्चों ने पार्ट लिया है ड्राइंग कॉम्पिटिशन में, और हर साल इसी उत्साह से वो हमेशा ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोविड महामारी के चलते, जैसे आप सभी जानते हैं, सब लॉकडाउन में था और हम इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाए थे, 3 दिन का जो प्रोग्राम हम करते हैं हमेशा। इस बार जैसे कोविड मतलब अभी उतना नहीं है, बट उसकी अभी फिर से उसका रिस्क अभी बढ़ता जा रहा है। कदमा गणेश पूजा मैदान में आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया। कदमा गणेश पूजा मैदान में राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है, जो कि 20 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2023 तक चलेगा। यहां 50,000 से भी अधिक तरह के वस्तु देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम के संबंध में मेले के व्यवस्थापक ने जानकारी दी। मैदान कदमा के अंदर लगा हुआ है और 15 जनवरी तक चलेगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा रिस्पॉन्स कम है। क्या क्या खास आइटम है इस मेले में? यहाँ पर कश्मीर का एक स्टॉल है जिसमें शॉल, साड़ी, स्वेटर और मेरठ का खादी, खाने पीने के भी स्टॉल हैं, हाथ की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, सहारनपुर का फर्नीचर का आइटम है, लकड़ी का, जयपुर की लाख बैंगस जो लेडीज चूड़ियाँ होती हैं वो हैं, और खुर्जा का क्रोकरी है। मतलब कहने के हिसाब से परिवार के लिए बहुत ही अच्छा एक मॉल है, जहाँ पर लोग अपनी पसंद का आकर खरीद भी सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ। आप सभी से एक निवेदन है, यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर एक ही छत के नीचे 50,000 से भी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलती है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ लेकर के लोग आए हैं, यानी सभी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही छत के नीचे 50,000 से भी ज़्यादा वस्तुएँ देखने को और ख़रीदने को मिलेंगी। क्या नाम? इसलिए एक बार जरूर आवे। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रवेश चंद्र शास्त्री है, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। स्टार सोशल सर्विस टीम द्वारा जमशेदपुर के कई क्षेत्रों में वस्त्रों और केक का वितरण किया गया। गरीबों ने उन्हें उन्नति की शुभकामनाएं दी। वस्त्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ बारेडी से किया गया। उसके बाद सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर, साक्षी शीतला मंदिर, राम बगान, बिष्टुपुर साई मंदिर, राम मंदिर में कार्यक्रम को विराम दिया गया। इस कार्यक्रम में सोशल सर्विस के सदस्य रीतम नंदी, राधे तिवारी, नवनीता कुंडू बसरा, आजम बेग, खुशी उमाश्री, प्रियंका दिया, नम्रिता आनंद आदि शामिल थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा में दिन दहाड़े बिजली विभाग के कलेक्शन एजेंट से 2 बाइक सवार अपराधियों ने 9 लाख रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। राजनगर थाना अंतर्गत गंजिया मार्ग पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत। सिद्धगोड़ा में 2 पक्षों में पुराने विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट, 3 लोग घायल। और मानगो गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।